लोगों को लगता है धर्म में बहुत कष्ट है और कष्ट सहने पड़ेंगे, ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं अभी इस पे बैठा हूँ समय उदाहरण के लिए, और एक गद्दी और लगा लूँ भैया जी तो देखो, और अगर मैं बिल्कुल निखरने उस पे बैठ जाऊँ, अरे साहब बड़ी बड़ी भक्ति साहब बिल्कुल तखत ऐसा, और मैं इस पे कीलें और लगा दूँ इतनी मोटी मोटी, समझ में आया? और वो इस पे बैठो पंडित जी, अरे साहब ये तो ऐसे ऐसे रहते साहब कांटों वाली स्टेज पे बैठते हैं, ख्याल में बिल्कुल सुप्यार नहीं, बिल्कुल सुकोमल नहीं, कुछ कैसी बातें करते हो, ये अपने को लगता है भी हंसी आ रही, लेकिन आप ऐसे ही को धार्मिक मानते हो भैया। आप एक मुनिराज हैं, एक मुनिराज भोजन करके आ गए और एक मुनिराज का चार दिन से उपवास है, तुम ज्यादा धर्मात्मा किसे मानोगे? तुम उनकी ज्यादा भक्ति करोगे, तुम उनके ज्यादा चरण छूओगे, तो इसीलिए फिर वो उपवास का ट्रेंड चल जाता है, क्योंकि वो खाने वाले देखते हैं कि यार इसकी ज्यादा भक्ति हो रही है, मैं खाया है तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा, अंत समझे? इसलिए दादा कहते हैं, वो समझाते हैं कि स्वाध्याय एक तप है, स्वाध्याय तप है, वो तप नहीं है, स्वाध्याय परम तपा, ऐसा कहा था बदला में, क्या स्वाध्याय तप अकेला नहीं कहा उनने, उनने कहा था परम तप है, ख्याल में आया कि नहीं आया? स्वाध्याय परम तप है, और मजेदार बात है स्वाध्याय करने वालों को और कराने वालों को कोई तपस्वी मानने को तैयार नहीं। तो लोग पता वहां क्या कहते हैं कि स्वाध्याय का जी वो अर्थ नहीं है वहां, क्या बोलते हैं उसका, अरे मुझे सब पता है, क्या बोलते हैं पंकज जी, वो अर्थ नहीं है जी कि पढ़ लो पढ़ा लो हो गए स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है स्वयं में रमना, स्वयं का अभ्यास करना, इसका नाम है स्वाध्याय, इसको परम तप कहा है आचार्यों ने, ये बिल्कुल सच्ची व्याख्या करी, यही व्याख्या सच्ची है। लेकिन महाराज यही अकेली व्याख्या क्यों करते हो अकेली, दूसरी भी तो करो, कि वो रोटी छोड़ना अकेला उपवास नहीं है, उसको तो तुम तपस्वी कह रहे जो रोटी छोड़ के बैठा है, और स्वाध्याय की असली परिभाषा बता रहे, तो उपवास की असली परिभाषा कौन बताएगा, कौन बताएगा कि उपवास मतलब क्या होता है? आत्मा के समीप वास करने का नाम उपवास है, भोजन छोड़ने का नाम उपवास नहीं है, ये व्याख्या तो नहीं करी। वो आठ दिन से उपवास करा जी, उपवास करा तो तुम उसकी तो बड़ी महिमा कर रहे, और हम 365 दिन स्वाध्याय कर रहे, कह रहे अरे साहब इससे क्या होता है, ये कोई उपवास थोड़ी है। तो आपको क्या आदत है कि आपको कष्ट में पुण्य और धर्म दिखता है,